हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सौंदर्या विला। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आपके साथ में जो रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो एक फेस क्लींजर का रिव्यू है जो मुझे बहुत पसंद है और ये वर्ल्ड वाइड में भी काफी फेमस है। तो वो क्लींजर है सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर। इसके अंदर एक दो वेरिएंट्स और आते हैं, एक ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन का आता है और एक ये जेंटल स्किन क्लींजर है। इसको आप फेस एंड बॉडी दोनों पे यूज कर सकते हो और ये ऑल स्किन टाइप्स है, ठीक है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े आपको भी समझ नहीं आएंगे, मुझे भी समझ नहीं आएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स वैसे नेचुरल नहीं है, इसके अंदर पैराबेन भी है, बट ये क्लींजर बहुत अच्छा है। आप अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन, आपकी कैसी भी स्किन है, आप इसे यूज करो, आपको जरूर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डेली बेसिस पे यूज करो और एक दो दिन में आपके फेस से पिंपल्स वगैरह सब जाने लग जाएंगे और फेस पे अलग सा ग्लो आने लग जाता है। आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, रेगुलरली यूज करते हो, तो आपके फेस पे एक अलग सा ग्लो आने लग जाता है। ओके, डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं इसके पीछे जो भी मेंशन है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सेटाफिल, ये आपको दिख भी रहा होगा, जो नहीं दिख रहा वो मैं आपको बता देती हूँ। सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर, सूदिंग नॉन इरिटेटिंग क्लींजर, आइडियल फॉर फेस हैंड्स बॉडी, हेल्प्स स्किन रिटेन नीडेड मॉइस्चर, रिंसेस इजीली एंड लीव्स स्किन फीलिंग सॉफ्ट स्मूथ एंड हेल्दी। ओके, पीएच बैलेंस्ड है, फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी फेस वॉश के ऊपर लिखना डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट वही फेस वॉश रिकमेंड करते हैं जो आपके फेस को सूट कर सके, जैसी आपकी प्रॉब्लम है उसको क्लीन कर सके, जो भी आपके फेस की प्रॉब्लम है उसे हटा सके, उसे ठीक कर सके। ओके, तो इसका डायरेक्शन जो है यूज करने का वो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको इसके नीचे जो भी मेंशन है, इसके एमआरपी वगैरह वो सब बता देती हूँ कि जो एमआरपी है वो 470 रुपीज है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स की है, 1119 and 1121 लिखा हुआ है। 2 ईयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ है, तो काफी सही है। आप डेली यूज करते हो तो ये काफी टाइम तक चल जाता है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो 250 ml की। आई नो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये एक इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो आप, क्योंकि ये काफी टाइम तक चल जाता है। आपको ज्यादा यूज भी नहीं करना, आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी होती, आपकी थोड़ी सी क्वांटिटी में फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसके अंदर जो यहाँ पे मेंशन है, डेली केयर फॉर ऑल स्किन टाइप्स, मॉइस्चराइजेस एज इट क्लींजेस, सोप फ्री एंड नॉन इरिटेटिंग। ये सोप फ्री है, इसके अंदर कोई सोप नहीं है। और जब आप इसको लगाते हो तो ये कोई भी झाग नहीं देता है, कोई भी जैसे फोम क्रिएट होता है, बिल्कुल फोम क्रिएट नहीं होता है इसमें। तो आप ऐसा ना समझे कि आपके फेस को क्लीन नहीं करता, बट ये आपके फेस को विदाउट फोम बहुत अच्छे से क्लीन करता है। जो आपके फेस को फोम वाले होते हैं, जो फोम क्रिएट करते हैं हद से ज्यादा, हम सोचते हैं कि वो हमारे फेस को क्लीन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो हमारे फेस का जो मॉइस्चर होता है वो उसे भी हटा देते हैं। धीरे धीरे हमारी स्किन बहुत रफ एंड ड्राई फील होने लग जाती है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। इसको आप यूज करोगे, जितने भी टाइम यूज करोगे, आपको बिल्कुल भी रफ स्किन नहीं देने वाला है। ये आपको बहुत अच्छी, और जो आपका मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा, जो आपकी स्किन का पीएच लेवल होता है। तो इसलिए ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वॉन्ट स्टिंग आईज, हाइपो एलर्जेनिक, इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये भी सारी चीजें मेंशन की हुई है इन्होंने। हाइपो एलर्जेनिक है, ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी होती है। कुछ चीजें जो आपके फेस वॉश पर मेंशन होनी चाहिए और होती भी है कई फेस वॉश पे, जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं। ओके, इसके ऊपर इतना ही मेंशन। और ये जो ब्रांड है सेटाफिल, ये है नेस्ले स्किन हेल्थ से, और इसके अंदर मॉइस्चराइजर वगैरह भी आते हैं, बट पहले मैं ये यूज कर रही हूँ ताकि मुझे पता लगे कि ये किस टाइप से वर्क करता है। बट ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया। अब मैं इसका मॉइस्चराइजर भी ऑर्डर करने वाली हूँ, तो उसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी। तो अब गाइज, मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। वैसे मैं इसको सिर्फ अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। मैं इसको 10 to 15 days हो गए मुझे इसे यूज करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक गाइज, तो ये इस तरीके से ओपन होता है। ये इसको घुमाया, यू कैन सी, ये इसको घुमाया, ये बंद हो गया, यहाँ से पंप नहीं होगा। अब इसको घुमाया तो अब यहाँ से पंप होगा। आपको यूज करके दिखा देती हूँ आप। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात गाइज, इसको आप यूज करते हो तो आप दो तरीके हैं इसको यूज करने के। सबसे पहले आप इसको लो, उसके बाद में
मसाज करो, जस्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, ज्यादा रनी नहीं है, ज्यादा थिक भी नहीं है। मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा दूँ। मैं आपको फर्स्ट यूज बता रही हूँ इसका, जो विदाउट वाटर आप यूज कर सकते हो। ओके, ये मैंने लगाया जस्ट। तो गाइस ऐसे आपको इसको लगाना है, इससे आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप ये ना समझे कि फेस क्लीन नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आपको मसाज करना है थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं करना है, थोड़ा सा मसाज करना है। और अब आपको क्या करना है, आप हैंकी ले सकते हैं, आप टाल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर ले रही हूँ और इससे मैं क्लीन कर लूंगी इसको इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड, जैसे आप जो भी फेस वॉशेज यूज करते हो, पहले फेस को वेट करते हो, उसके बाद में आप फेस वॉश लगाते हो, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। That's it guys. इसका ये तरीका मुझे अच्छा लगता है कभी कभी, बट मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले वेट करूँ फेस को, उसके बाद में फेस वॉश करूँ। तो सेकंड मेथड के लिए हमें चाहिए वाटर, जो मैं वॉश बेसिन के पास में जाके वॉश नहीं कर सकती फेस को, तो मैं यहीं पे है ना, मेरे पास जो स्प्रे बॉटल है इसमें वाटर है, तो मैं इससे स्प्रे कर लेती हूँ, उसके बाद अप्लाई करती हूँ। नाउ एक पंप लिया मैंने एंड जस्ट अपने हाथों पर थोड़ा सा रब किया। आज जब अपने हाथों पे इसे रब करते हो तो ये व्हाइट व्हाइट जरूर होता है, बट ये फोम बिल्कुल क्रिएट नहीं करता, ज्यादा व्हाइट व्हाइट भी नहीं होता है। ये अच्छे से आपको फेस को क्लीन कर देगा, आपको नेक पे भी लगाना चाहिए। You can see, इस तरीके से आपको अपने फेस को क्लीन करना है। That's it. गाइज़ ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और अब मैं इसको टॉवल से पैड ड्राई करूंगी। आपको अपने फेस को पैड ड्राई ही करना चाहिए, ज्यादा रब करोगे तो आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ सकती है। दैट्स इट गाइज। ओके गाइज, मुझे अपनी स्किन जो बहुत सॉफ्ट फील हो रही है, मुझे कहीं से भी ड्राई पैचेस नहीं लग रहे मुझे, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। ओके गाइज, अगर आपको परचेज करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप केमिस्ट शॉप या फिर किसी अदर शॉप से परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।